नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराम सिंह और यह है मारुति ईको, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रही है गाड़ी। जैसे एक्चुएटर लो तो ये पटाखा छोड़ती है, फट फट करती है। तो ये पटाखा छोड़ने का कारण कुल बहुत से होते हैं, जिससे कि पटाखा प्लग खराब है तो पटाखा छोड़ती है, प्लग लीड खराब है तब पटाखा छोड़ती है, और अगर एयर फिल्टर आपका ठीक से बंद नहीं है तो ये पटाखा छोड़ती है। तो इसका ये प्लग लीड की पिन है, इसी में टूट गई थी तो इसको निकाल दिया है, और इन भाई साहब ने प्लग घर पे ही डाल दिया है और इसको सेट बिना किए ही डाल दिया, तो इसमें पटाखा फिर भी नहीं जा रहा है। तो आइए हम इसको सेट करके बताते हैं। प्लग सेट करने का गेज भी आता है, गेज अगर नहीं है तो आप घर पर अगर प्लग डाल रहे हैं तो ये आरी का ब्लेड जो आता है इससे भी आप प्लग सेट करके डाल सकते हैं। अगर प्लग सेटिंग नहीं करेंगे तो गैस पे मिसिंग करेगी गाड़ी। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह से कर लेना है। तो अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और इसको सेटिंग करते हैं, मिसिंग नहीं करेगी बिल्कुल। मिसिंग करने के बहुत से कारण होते हैं, तो मैं अब की बार वीडियो में आपको सभी कारण समझाएंगे कि किस किस वजह से आपकी गाड़ी में पटाखा छोड़ सकती है। तो इसी तरह से आपको भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से पटाखा की समस्या से दूर हो सकते हैं। और दोस्तों जब गाड़ी मिसिंग करने लगती है, हंटिंग करने लगती है, तो गाड़ी आपकी पिकअप भी नहीं लेती है, बहुत ज़्यादा लोड लेती रहती है। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो आइए फिर करते हैं गाड़ी को सेट और मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छी तरह से इसका जब मिसिंग नहीं करती है गाड़ी तो माइलेज भी अच्छा देती है, और जब गाड़ी मिसिंग करती है तो माइलेज भी नहीं अच्छा और लोड भी नहीं तानती है, और गाड़ी जैसे एक्सीटर दाबोगे फट फट करती रहती है। तो जब भी नए प्लग डालें तो आप प्लग को सेट कर लेना तभी डालें, नहीं तो अगर प्लग सेट नहीं करेंगे तो उससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जैसे पुराने प्लग से करती है वैसे नई प्लग करती है।